हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरिमा हरियाणा में पली बड़ी एक बहुत ही सुंदर खड़ी बोलने वाली लड़की थी। गरिमा के पिता टेक राम ने उसकी शादी सोनू नाम के एक अच्छे घर के लड़के से करवा दी थी। शादी के बाद गरिमा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे सोनू जी कहाँ रह गए आप? आ जाओ नाश्ता कर लो, ऑफिस भी जाना है आपको, सुन रहे हो कि नहीं? यार क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आ तो रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, मैं कब चिल्लाई? तो अभी क्या कर रही थी? तुम जब ये खाना या नाश्ते के लिए ऐसी आवाज़ देती हो ना, तो ऐसा लगता है कि कोई जेलर आवाज़ दे रहा है। ओ गुस्सा क्यों हो रहे हो? जानते हो ना मैं हरियाणा से हूँ, मेरी तो बोली ऐसी है, प्यार से भी बोलूंगी ना तो चुप जाएगी। खैर जाने दो, इस बात पर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, नाश्ता दो यार जल्दी। सोनू के कहने पर गरिमा उसे नाश्ता परोस देती है और सोनू नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। साथ ही गरिमा भी घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर में गरिमा के सास जानकी मंदिर से घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गरिमा आकर बोलती है, आगे बाजी आप कुछ ना ऊंचा पानी। उफ कितनी बार बोला है बहू कि इस गवार सी भाषा में बात मत किया कर, अरे दिल का दौरा पड़ जाएगा एक दिन मुझे। कोई नहीं माँ जी, आप मेरा दिल ले लेना, मैं बिना दिल करा लूंगी। मजाक भी तेरी इस भाषा जैसा था, एकदम गंदा, जा चाय लेकर आ। अपनी सास की बात सुनकर गरिमा मुस्कुराती हुई रसोई में चाय बनाने जाती है। कुछ देर बाद गरिमा चाय बनाकर सास को देती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। गरिमा के घर वाले आए दिन उसके ऐसी बोली को लेकर और चीजों को लेकर उसे टोका करते थे, पर गरिमा कभी किसी बात का बुरा ना मानते हुए सारे काम अच्छे से किया करती थी। ऐसे ही एक शाम जब सोनू घर आता है तो गरिमा बोलती है, आ गए आप, मैं भी सोच रही थी लेट हो गया आज आप। ऑफिस में काम ज्यादा था। अच्छा वैसे कोई बात है क्या, परेशान लग रहे हो थोड़ा। कल ऑफिस में एक पार्टी है, सभी को अपनी वाइफ के साथ इनवाइट किया है। ओ बढ़िया, फिर तो मैं साथ चल लूंगी। यही तो दिक्कत है कि तुम चलोगी साथ, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलकर बोलोगी तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप भी मजाक कर रहे हो, बताओ मुंह बंद करके कौन बोला करे? आपको मेरी बोली से दिक्कत है ना? ठीक है मैं बस आए हेलो कर लूंगी। गरिमा की बात सुन सोनू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। अगले दिन शाम को दोनों मियां बीवी अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग गरिमा की बहुत तारीफ करते हैं। तभी एक बहुत ही सुंदर लड़की मेघा गरिमा के पास आती है और फट से उसे गले लगाकर खुशी से कहती है, गरिमा यार कैसी है तू, कितने टाइम बाद देख रही हूँ तुझे। अरे मेघा तू यहाँ कैसे? अरे मैं यहाँ कैसे भी हूँ, तू बता कैसी है? और यहाँ मैं बढ़िया एकदम, आज अपने पति के ला रही हूँ। सुनो जी आना एक मिनट। कहिए क्या हुआ? देखो जी मेरी सहेली मेघा। ओ माय गॉड, सोनू सर तुम्हारे हस्बैंड है, यही तो मुझे काम सिखा रहे हैं ऑफिस में। हेलो मेघा, तुम दोनों बातें करो मैं आता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। मेघा और गरिमा दोनों ही आपस में काफी देर तक बातें करती हैं और कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। मेघा अपने घर पहुंचकर फ्रेश होती है और खुद से कहती है, ये क्या हो गया, इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन जैसी दोस्त मिली और जिससे मैं गुपचुप प्यार करती हूँ वो उसी का पति निकला। मैं अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त की सौतन नहीं बन सकती हूँ, पर मैं सोनू सर को प्यार करना भी नहीं छोड़ सकती। जब से उनको देखा है तब से बस अपना मान लिया है। करूँ तो क्या करूँ? ऐसे ही सवालों से भरा मन लेकर मेघा आराम से सो जाती है। गरिमा से मिलने के बाद से अब मेघा का गरिमा के घर आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक शाम मेघा गरिमा और जानकी के साथ बातें कर रही थी, तभी उसे देखकर जानकी मन ही मन सोचती है, कितनी प्यारी बोली है इस लड़की की, बोलती है तो लगता है मिश्री बरस रही हो। एक मेरी बहू है जिसकी बोली किसी डायनामाइट से कम नहीं है, प्यार से भी बोलती है तो धमकी जैसा लगता है। क्यों है माँ जी, कितको हो गया आप? चाय पी लो, ठंडी और लाग रही। यार मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अरे बेटा अकेले मत जाओ, रुको मैं सोनू को बुला देती हूँ, साथ चले जाना, मतलब कि वो तुझे छोड़ देगा। सोनू बेटा, सोनू बेटा। जानकी की आवाज़ सुनकर सोनू बाहर आता है, जिसके बाद जानकी सोनू को मेघा को उसके घर छोड़ के आने को कहती है। अपनी माँ की बात सुनकर सोनू मेघा को उसके घर छोड़ने के लिए घर से निकल जाता है। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे सोनू और मेघा के बीच दोस्ती बढ़ जाती है और एक दिन
जब गरिमा घर पर नहीं होती तो मेघा उसके घर आती है, जहाँ सोनू आराम से बैठा होता है और मेघा को देखकर बोलता है, अरे मेघा तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही। सॉरी लेकिन गरिमा तो घर पर है नहीं। हाँ जानती हूँ, और मैं गरिमा से नहीं बल्कि तुमसे मिलने और बात करने आई हूँ। मुझसे? बोलो क्या बात है? दरअसल बात यह है कि सोनू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑफिस के पहले दिन जब मैं तुमसे मिली थी तब से तुम्हें अपना मान बैठी हूँ। मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, मुझसे दूसरी शादी कर लो। तुम पागल हो गई हो क्या मेघा? मैंने आज तक तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मैं गरिमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। इतना कहकर सोनू गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर जानकी छुप कर उनकी बातें सुन लेती है और मेघा के पास आकर कहती है, मेघा बेटा दिल छोटा मत कर, मेरे बेटे का तो दिमाग फिर गया है जो उस गवार के पीछे पागल हुआ जा रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी तू और सोनू एक साथ बड़े अच्छे लगते हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू मेरी हरियाणवी बहू की सौतन बन जाए। पर आपने देखा ना कि सोनू तो मुझे पसंद ही नहीं करता, वो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। अरे तो तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। जानकी का साथ पाकर मेघा के नापाक इरादे और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और वो झूठा बीमारी का नाटक करके सोनू को मेघा से शादी करने के लिए राजी कर लेती है। पर गरिमा को अपनी सास की सारी चाल अच्छे से समझ में आती है और एक दिन वो गरम दूध का ग्लास लिए जानकी के कमरे में जाकर कहती है, लो माँ जी दूध पी लो, दूध लेके आई हूँ आपके लिए जहर मिला के। शर्म नहीं आती तुझे ये सब कहते हुए? आपने आई थी शर्म, जिपटा धन लेने के मारे राजी राजी अपने बेटे की शादी मेरे ताई करवा दी, तब नहीं आया। आपको ख्याल मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, मेरी बोली कैसी है, है? अब आप तो अपने पलट के बताओ, अब आपको अपनी इज्जत नजर आ रही है, अब आप मेरे घर में सोतन लाने की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी नहीं मेरी खुद की सहेली। गरिमा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सोनू और मेघा आकर कहते हैं, हाँ माँ मेघा ने मुझे और गरिमा को सब सच बता दिया है कि किस तरह आप इतने दिनों से झूठी बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि मैं मेघा से शादी कर लूं। माफ करना आंटी जी, उस दिन आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था, पर मैं ये भूल गई थी कि सौतन बनने से पहले गरिमा एक अच्छी दोस्त है मेरी। बोली से वो जैसी भी है दिल से भली है, मैं आपकी हरियाणवी बहू की सौतन बनकर अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जानकी भी अपनी बहू बेटे से माफी मांगती है। साथ ही अब वो गरिमा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है, जिसके बाद गरिमा भी आराम से धीरे धीरे हिंदी में बातचीत करना सीखती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।